सो गाइस, आज हम लोग खेलेंगे माइनक्राफ्ट का पार्ट 6। आज हम लोग भी ट्राई करेंगे कि हम लोगों को मिल जाए डायमंड। हम लोग उसके लिए सबसे पहले अपनी पिकैक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आयरन पिकैक्स है, वो नहीं यूज़ करनी। लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे इस बार आयरन की पिकैक्स, क्योंकि हमारे पास आयरन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग आयरन की पिकैक्स यूज़ करते हैं। आयरन की पिकैक्स बना लूँगा मैं, दो आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ। एक बनी है, तो दो बनानी है मैंने, ये दो बन गई हैं मेरी पिकैक्स। अब मैं नीचे चलता हूँ, मेरे पास टॉर्चेज भी हैं, सब कुछ है मेरे पास। अब मैं नीचे चलता हूँ, नीचे चल के माइनिंग करेंगे हम लोग डायमंड के लिए। अब मैं इस तरफ से माइनिंग स्टार्ट करूँगा, यहाँ से, इस तरफ से, यहाँ से ऐसे। और ये तो मेरी माइनिंग की भी जगह, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनिंग करनी है। मैं इसको ब्लॉक करके फिर आगे माइनिंग कर लेता हूँ अपनी। अब मैं इसको माइन करता हूँ आगे, देखते हैं हम लोगों को सबसे पहले कौन सी चीज़ मिलती है। डायमंड होप करेंगे सबसे पहले ही डायमंड मिल जाए हम लोगों को, मज़ा आ जाएगा फिर तो। हम लोग को 3 डायमंड्स चाहिए, मैं माइन करता हूँ इनको, देखते हैं सबसे पहले कौन सी और मिलती है हमें। और आयरन की पिकैक्स मैंने जो बनाई है, इससे फास्ट आयरन माइन होता है। आयरन कह रहा हूँ, ये स्टोन देख सकते हैं आप लोग, खुद ही देख लें कि ये कितना स्पीड में माइन हो रहा है इसमें, इससे। लेकिन जो डायमंड की पिकैक्स होती है, उससे इसमें इससे भी स्पीड में माइन होता है। हम और गाइस, हम लोगों को सबसे पहले कोल की ओर मिली है। अब मैं सबसे पहले अब ये कोल भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता कोल के आसपास ही मिल जाए डायमंड, देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। वैसे कोल तो ऊपर है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डायमंड मिलेंगे। सर मैं आके माइन कर लेता हूँ। अब मैं और मैंने नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दिया, इसको वापस से लगा देता हूँ यहाँ पे मैं स्टोन एक, और फिर आगे माइन करता हूँ। यहाँ पे अब ये अंधेरा होने लग गया, अब मैं इस यहाँ पे टॉर्च लगा दिया, जिससे अभी यहाँ पे रोशनी रहेगी। अब मैं आगे माइन करता हूँ। और गाइस, आप लोगों ने नीचे गौर किया हमारा एक्सपी कितना है? हमारा 13 एक्सपी हुआ है, इतना ज़्यादा एक्सपी हम लोगों को सिर्फ माइनिंग करते करते ही मिल गया। मैं ये माइन करते रहता हूँ, देखते हैं आयरन ही मिल जाए, अगर डायमंड नहीं तो। एक्सपी का क्या फ़ायदा होता है? आप एक्सपी से इंचेंटिंग होती है, जिससे हमारे टूल्स मजबूत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे भी अंधेरा हो गया, तो एक टॉर्च और लगा देता हूँ। अब देखते हैं मेरे पास कितना स्टोन है। वैसे मेरे पास बहुत सारे स्टोन होंगे। हम लोग चाहे तो एक एक्सपी फार्म भी बना सकते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास ढेर सारे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा स्टोन, तो बना लेंगे। डायमंड अगर मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि डायमंड से मेजे बनानी है एक सॉर्ड और एक पिकैक्स। अब मैं यहाँ पे माइन करता हूँ इसको। वैसे डायमंड मिलना बहुत मुश्किल होता है, माइनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर जाके मिलते हैं डायमंड। और अगर फिर जाके मिले और एक दो ही मिले डायमंड्स, तो गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदे ने माइनिंग की होती है और जाके फिर उसको एक दो डायमंड मिले, ऐसे तो गुस्सा ही चढ़ेगा ना बंदे को। अब मैं माइन कर लेता हूँ आगे इसको, क्योंकि डायमंड किसी भी जगह पे हो सकते हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा मिल, हाँ वो मैंने कलेक्ट नहीं किए थे स्टोन्स। एंडरसाइड यहाँ पे बहुत मिल रहा है, ऊपर क्या ऊपर गया ऊपर, वो कुछ ऊपर ग्रेनाइट है। यहाँ पे देखता हूँ, इधर तो नहीं आयरन तो नहीं नहीं आयरन नहीं ग्रेनाइट है वो।
अब मैं इस तरफ भी माइंड करके देख लेता हूँ एक बार। और ये तो मैं अपने ही रास्ते पे आ गया, यहाँ पे मैंने माइनिंग की है। अब मैं यहाँ और गाइस डायमंड मिल गए हम लोगों को। और गाइस इस बार तो ज़्यादा डायमंड है, वो देखे मैंने वहाँ पे माइनिंग की हुई। एक दो तीन चार और जो पांच भी और गाइस हम लोगों को पांच डायमंड नीचे भी। गाइस हम लोगों को पांच डायमंड मिल चुके हैं और टोटल हमारे पास अब हो चुके हैं सात। अब मैं चलता हूँ ऊपर ताकि मैं इससे अपना लिए थोड़ा बहुत सामान बना सकूं। एक मुझे पिकेक्स की ज़रूरत है अभी। वैसे अभी मैं जाता नहीं हूँ, अभी मैं और माइनिंग कर लेता हूँ कि आप तक आगे जाके और डायमंड मिल जाए, फिर उससे मैं अपना आर्मर बना लूँगा। आइडिया। फिर एक इकट्ठे ही ऊपर से नीचे आ जाएंगे, यहाँ नीचे से ऊपर जाके सब कुछ बना लेंगे। देखना लावा भी ना निकला है। लावा निकलेगा तो अच्छी बात होगी क्योंकि हमारे पास डायमंड्स हैं तो हम उससे ऑब्सीडियन बना देंगे। और गाइस हम लोगों को रेडस्टोन मिल गया, अब मैं यहाँ पर टॉर्च लगा देता हूँ। रेडस्टोन तो हमारे पास बहुत पड़ा। और मिला? हाँ ये रेडस्टोन नहीं तो मिला नीचे और इतना पड़ा है। ये रेडस्टोन की जो ओर्स होती हैं ये बहुत सारी ही मिलती हैं एक बार में, रेडस्टोन जैसी। और हम लोगों को लैपिस नहीं मिला जिससे इंचेंटिंग होती है, लैपिस भी चाहिए होते हैं इंचेंटिंग के लिए। रेडस्टोन तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, कभी मिल जाएगा। लैपिस भी मिलेगा हमें, ढेर सारा मिलेगा। वैसे शायद जहाँ पे नाम लैपिस लजूली, तुम कहाँ हो? लैपिस लजूली, लैपिस लजूली लेवल 16 पे मिलता है वैसे लैपिस तो। हम लोग वैसे अब लेवल 16 पे जाके माइनिंग करते हैं क्योंकि हम लोगों को डायमंड जितने चाहिए थे उससे तो ज़्यादा ही मिल गए। अब हम लोग किसी और लेवल पे जाके वो भी रेडस्टोन पड़ा नहीं, ग्रेनाइट्स हैं सारी और मैंने निकाली में से वह कोल के, क्योंकि कोल हमारे पास अब बहुत ज़्यादा आ चुका है, ऐसे ही टाइम वेस्ट होता है। और मेरी आवाज़ें आ रही हैं किस डायरेक्शन में? इधर जाना है यहाँ सीधा। अब मैं यहाँ से ऊपर जाके लेवल जो मेरा 16 है वहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ से मैं माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। और ये आयरन की पिकेक्स भी मेरी टूटने वाली है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर अभी मैं आयरन की जगह स्टोन की पिकेक्स यूज़ कर रहा होता तो फिर तो अब तक दो टूट गई होती मेरी स्टोन की पिकेक्स। और इस वजह से आयरन तो पड़ा है हमारे पास, आयरन तो बहुत ज़्यादा, इतना आयरन है कि हम लोग एक आयरन गोलम या एक आयरन गोलम बना सकते हैं हम लोग। बनाए आयरन गोलम, लेकिन उसके लिए पम्पकिन चाहिए होते जो हमारे पास है नहीं अभी। इसको गा लेते हैं हम फार्म में, अगर अभी ना मिला कुछ तो फिर हम लोग एक अपना छोटा सा फार्म भी बना लेंगे क्योंकि हमारे पास फूड नहीं है। वेट से ब्रेड मिलेगा हो गया। यहाँ पे अब एक टॉर्च भी लगा देता हूँ। अब मैं तो माइन कर दिया जाता हूँ। तो यहाँ पे लैपिस तो वैसे मिलना चाहिए, लैपिस मिल जाओ हमें। लैपिस तो इतना हार्ड चीज नहीं होती, इतना हार्ड लैपिस लजूली मिल गया। क्या हुआ? हमारी पिकेक्स टूट गई। लैपिस लजूली तो इतना टफ नहीं होता कि जितने डायमंड होते हैं, वो तो आराम से मिल जाता है। लेकिन अब देख अब यहाँ पर भी एक टॉर्च लगा देता हूँ और अब आगे माइन कर लेता हूँ। आगे माइन करता हूँ, अब देखते हैं लैपिस मिलता है हम लोगों को नहीं मिल जाएगा। और हम लोगों को ये हमारे पास सेवन डायमंड लैपिस मिल गए तो क्या होगा? हमारे पास सेवन डायमंड हुए हैं और ये एक ही बार में सारे खर्च हो सकते हैं इम्पोर्टेंट कामों के लिए। दो डायमंड से एक इंचेंटमेंट टेबल बन जाएगा और पिकेक्स और एक सॉर्ड। इंचेंटमेंट क्या होती है? इंचेंटमेंट से हमारे टूल्स मजबूत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इतने हो जाते हैं जिस तरह मेरे अभी एक सेकंड में टूट रहे हैं और उस फिर टूटेंगे ही ऐसे मुश्किल से टूटेंगे। और इस तरह का भी एक इंचेंटमेंट होता है जो एक्सपी जो होता है वो रिपेयर करता है उसे।
अगर हम लोग कोई इस तरह की और माइन करेंगे तो वो एक्सपी देगा हमें। अब देखता हूँ ये लैपिस मिलता है इसके पास, कोल मिल रहा है, कोल के पास यहाँ पे लैपिस, यहाँ पे लैपिस, लैपिस कहाँ हो लैपिस, लैपिस ऊपर भी कोल पड़ा है यहाँ पे, तो सारा फोड़ो, सारा फोड़ो, फोड़ो 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 तोड़ो तोड़ो तोड़ो, बुड़ो कोल निकल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, ऊपर डायमंड भी होंगे, डायमंड लेवल 12 पे वो कोल फोर निकल गया सामने देख, कोल की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से आके माइन कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको माइन कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोगों को लैपिस तो नहीं मिल रहा, अब मैं यहाँ पे हम लोगों को लैपिस नहीं मिल रहा तो हम लोग जो है ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके एक अपना फॉर्म बना लेते हैं, और ये जो मैं इसको बहुत जल्दी इस तरह का बनाऊँगा, ये जो शेड है इसको मैं सही से कर दूँगा जिससे ये अभी जल्दी से चला जाएगा ऊपर और नीचे, आराम से वो चला जाएगा ऊपर नीचे। अब मैं यहाँ पे मेरे पास देख रहा हूँ सीड्स हैं, मेरे पास पोटैटोस पड़े हुए हैं और बस पोटैटो, मुझे आलू बड़े पसंद है, मुझे आलू खिलाओ, नहीं आलू खा लो, देखता हूँ मेरे पास सीड्स नहीं लेकिन मेरे पास आलू हैं, आलू ही फिर कर लेता हूँ, ये जो मेरे पास आलू गोश्त बना लो, मेरे पास ये आलू भी बना लेता हूँ, और गैस हमारे पास तो हे बेल भी है और ब्रेड भी, हमारे पास तो बहुत कुछ, आलू गोश्त बन जाएगा, और आप हमारा ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा हमारे पास स्टोन आ चुका है, इतना स्टोन है हमारे पास, आलू गोश्त बन जाएगा, आलू गोश्त नहीं बनेगा इसमें, आलू चिकन बनेगा, तो चिकन भी तो गोश्त ही होता है, मुझे आलू चिकन खिला दो। अच्छा अभी मैं इसको बना लेता हूँ, पहले अपनी इन्वेंटरी खाली कर लूं। अब मैं आलू चिकन भी मज़े का होता है, अब मैं यहाँ से अपने वूड सब कुछ रख, क्यों बिल्लू मज़े का होता है ना, और हमारे पास तो दो स्टैक आ चुके हैं रेड स्टोन के, मज़े का होता है बहुत, कितना कभी खाया आपने आलू गोश्त, जी मैं बहुत बार खाया, मैं अपने डायमंड्स को यहाँ पे सेफ रख देता हूँ, मज़ा आता है, लेकिन हमारा बंदा खाएगा तो आराम हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अपने अपने हेयर बेल्स का ये बना लेता हूँ मैं अपने, अब ये जो मेरा हेयर बेल है, हेयर बेल क्या होता है, इससे वीट बनती है, और मैं हेयर बेल कहाँ से मिला, ये तब मिला था जब मैं गांव है ना हमारे ऊपर, तो हम लोग जब गए थे वहाँ ऊपर से, तो हम लोग उनकी विलेजर्स की हेबल हम लोगों ने चुरा ली थी, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे रख के रखते हैं, तो हम लोगों ने ले ली, कि हम लोगों के पास 35 ब्रेड चले। अब ब्रेड बड़ी मज़े की होती है ना बिल्लू जी, कभी ब्रेड खाई है आपने, बहुत, अब मैं इसको यहाँ ब्रेड को कैसे खाते हैं, अब मेरा चिकन पक रहा है, अब मेरे मैं देखता हूँ मेरे पास ब्रेड को मक्खन के साथ, अब मेरे पास है आठ डाट, आपके पास मक्खन है, मक्खन 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 तो नहीं है, बस सिर्फ आलू और चिकन बन सकता है, चलो ब्रेड को हम चिकन आलू चिकन के साथ खाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक छोटी सी जगह बना लेती हूँ जहाँ पे मैं अपन फार्म बना लूंगा छोटा सा, जल्दी से पका लो, मुझे भूख लग रही है, अपने घर में कौन बनाता है फार्म, मैं बनाता हूँ फिलहाल के लिए, घर तो नहीं मेरा, मैं यहाँ पे डायमंड के लिए, हाँ मेरे पास थोड़ी सी डर्ट थी क्योंकि जब मैं माइन कर रहा था सामने डर्ट आ गई थी, मैंने उसको तोड़ा तो मुझे डर्ट मिल गई, पानी कहाँ से लगाएंगे इसको, मैं पानी इसकी जरूरत नहीं होती, पानी के बिना भी हो सकता है, अब मुझे चाहिए स्टिक और स्टोन ताकि मैं खोए बना सकूं, मुझे नींद आ रही है, मुझे रोटी खिला के सुला दो, अच्छा अभी सुला देता हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अभी आप लोग सो जाना,
अभी आप लोग सो जाना, पहले मुझे एक ये हो बनाने दो। स्टिक्स की कमी हो रही है हम लोग, स्टोन की होए बना लेता हूँ मैं। अब मैं इसके ऊपर अगर ये जो होए है हो ये मारूंगा तो इस तरह की जमीन हो जाएगी, और इस पर अब मैं चीज़ें प्लांट कर सकता हूँ। और हमारे पास 7 आलू हैं और 8 डर्ट की। वो आलू उगेंगे मुझे बड़ा मजा आएगा। मेरे पास 7 आलू हैं क्या? 8 7 और 7 आलू हैं हमारे पास। 7 आलू से कितने आलू और बन जाएंगे? इसमें से तीन चार निकलेंगे एक आलू में से जब ये बड़े होंगे। और पत्तों का क्या करेंगे इनका? ये इनके पत्ते तो नहीं निकलेंगे, आलू ही निकलेंगे इनमें से। वो ग्रीन जो है ये क्या है? ये आलू उग गए, अगर मैं इनको तोड़ूंगा तो जो मैंने आलू लगाया वो मुझे वापस मिल जाएगा। इतनी जल्दी उग भी गए? अब मैं सो जाता हूँ। खाया तो है नहीं कुछ, ऐसे सो गए। अभी सो के अभी उठ जाता हूँ। अब मैं उठ जाऊँ और इसने मुझे यहाँ कहाँ ट्रैप कर दिया। हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं सो के उठता हूँ ये मुझे ट्रैप कर देता है। अब मेरा वो चिकन हमारा रेडी हो चुका है। चलो अब हम एक चिकन को ला लो जल्दी से। अब एक आलू ले लेता हूँ यहाँ से और इसको पका के अपना आलू चिकन खा लेते हैं। आलू डालो। आलू अब आलू बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ये आलू बन जाएगा तब बेक पोटैटो खाएंगे हम। बेक पोटैटो के अंदर चिकन डाल देंगे उसके और उसको ब्रेड के अंदर बंद करके खा लेंगे हम लोग। वाओ ये तो बर्गर बन जाएगा। आलू चिकन वाला बर्गर खाया अभी तुमने? मैं यहाँ से माइनिंग लेकिन अभी इसको भूख लगी नहीं रही है। माइनिंग इस वजह से ही करने आया हूँ, अभी इसको खुद ही भूख लग जाएगी। ना हमारे पास केचप है ना हमारे पास मायनीज है। ये तो ये कैसा बर्गर होगा? ये सिर्फ पका हुआ बर्गर होगा, सिर्फ पका हुआ होगा। अब मैं ऊपर चलता हूँ और एक अपने लिए डायमंड के सॉर्ड और एक पिकैक्स बना लेता हूँ। बाकी के 2 डायमंड को संभाल के रखूँगा। देखा मुझे भूख लग गई। भूख लग गई है कुछ खिला दो। अब मैं यहाँ से सबसे पहले अपने डायमंड लेता हूँ और डायमंड लेके एक सॉर्ड और पिकैक्स बना लेता हूँ। इसको ये रेडस्टोन रहा डालो। अगर रेडस्टोन और डायमंड को मिला दे तो क्या होगा? रेडस्टोन और डायमंड बन नहीं सकते। और गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग आर्मर भी बना सकते हैं अपना। आप क्या कहते हैं आर्मर बना लूं? नहीं सॉर्ड और पिकैक्स बना लेता हूँ। एक सॉर्ड और एक पिकैक्स बन गई और एक एन्चेंटमेंट इंचेंटेड आर्मर है। अब जो बाकी के 2 डायमंड है उसको यहाँ रख देता हूँ अपने इन्वेंटरी में। और आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के डायमंड की 2 टूल्स रेडी हो गए हैं। अब डायमंड की अब मेरा जो आलू था वो पक गया होगा। अब मैं चिकन और आलू खा लेता हूँ ना। ये तो मेरा मटन है। अरे टेबल पे तो लगाओ, ऐसे ही खाएंगे क्या? ये हाथ में पकड़ के ही खा लेता है। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ और ये आलू को यहाँ रखता हूँ। अब ये खा लेगा ये इसने इसको खा लिया। अब ये भी खा लेते हैं थोड़ा सा। इसने खा लिया अब इसको पूरा खा लिया। ये नज़र नहीं आ रहा तो स्टीव। और गैस इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि जो हमारे टूल्स थे और डायमंड हम लोगों को सब कुछ हो गया हमारा। अल्लाह हाफिज़।